हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। सिर्फ कर्मों के परित्याग करने से नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म वर्ग करता का स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। कृष्ण भावना में क्या आती है? कर्म फल से मुक्त करती है, क्योंकि आप वो कर्म फल कृष्ण भावना में क्या होते हैं, प्रभुपाद जी अगर बता रहे हैं। परंतु कृष्ण भावना स्वतः सकाम, अतः कृष्ण भावना में कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना में से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसे कि श्रील रघुवीर गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है। क्यों क्यों कृष्ण भावना में हमें पूर्णता आती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप वस्तु को पहचान लेते हो। क्या कर लेते हो? वस्तु को पहचानते हो कि वस्तु किसकी है। यह है वासुदेव सर्वमिति, कि आप पहचानते हो कि यह वस्तु किसकी है। ये वस्तु हमारी नहीं है, जब हमारी नहीं है तो हम इसको कैसे भोग सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि मेरा है? हम नहीं कह सकते। तो जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होते हैं वो हर चीज को जब देखते हैं तो एक ही नजर से देखते हैं। क्या नजर से देखते हैं? पहली चीज के मेरी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आया इसकी है, फिर पहला क्वेश्चन आपकी है, फिर किसकी है? भगवान कृष्ण। तो किसको समर्पण होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। दिस इज द रियल। और संन्यास में क्या होता है? ज्ञान के अंदर, जिसमें कर्म त्याग कर दिया आपने, कृष्ण भावना भावित बनी आया। नहीं नहीं, ये नहीं है मेरा, ये मेरा नहीं है, ये भी नहीं बोलता मेरा नहीं है। वो क्या कहता है? ये मेरे को बंधन में डाल रहा है। क्या कर रहा है? ये मुझे बंधन में डाल रहा है, इसलिए दूर रखो। नहीं, हम नहीं है, हम ऐसा विचार नहीं करते। हम ये विचार करते हैं, उसकी असली पहचान करते हैं। ये बंधन में डाल रहा है तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? कि ये किसका है, उसकी सेवा में लगा। ये उसके, ये सकारात्मक सोच है। और नकारात्मक सोच क्या है? कि ये बंधन में फंसाएगा मुझे, मुझे मुक्ति नहीं जाने देगा। ये नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच है। सकारात्मक क्या है? जिसकी है उसके लोग, जैसे मैं उदाहरण दिया आपको, पर्स पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, देख के व्यक्ति ने कहा, एक ने, अरे कोई नहीं है, मेरा ले ली। दूसरा, या कुत्ते की देर लड़ लिया किसी और से, फिर मेरा है ना, तो उसका है ना तेरा है, लड़ रहे दोनों किसके लिए? किसी तीसरे के पर्स के लिए, है ना। भौतिक जगत में यही होता है, आपका है नहीं। और बाद में पूछा जाए, ये जमीन आपकी है? हाँ। आपसे पहले किसकी थी? उसकी, मैंने खरीद ली उससे। अच्छा, उससे पहले किसकी थी? उससे पहले किसकी थी? जब आप भी नहीं थे, आपके दादा भी नहीं थे, परदादा भी नहीं थे, आप कोई था ही नहीं, उस टाइम किसकी थी? और ओरिजिनल ओनर कौन हुआ? आपने उससे खरीदी थी क्या? आपकी एग्रीमेंट है कृष्ण भगवान के साथ है? जब कोई नहीं था तो अल्टीमेटली जमीन तो उसकी हुई ना हुई प्रभु जी, और आप बदमाश चोरों ने आपसे बांट ली, और बना लिया मेरा है, और फिर कहते हो त्याग दिया नहीं, बंधन का कारण है, दूर रहूंगा। नहीं नहीं, जिसका है उसकी सेवा में लगाओ, जिसका है उसकी सेवा में लगाओ। यह है अल्टीमेट, यह है कृष्ण भावना, यह है असली संन्यास। ये सोचना कि बंधन का कारण है इसे दूर रखो, नेगेटिव। पॉजिटिव है ये भगवान की, भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाओ, पॉजिटिव। ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का होता है। भगवान कह रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारी चीजों का स्वामी हूं, इसलिए मैं इसका भोक्ता हूं। तो क्या हूं मैं? आई एम द एंजॉयर, नॉट यू। आप नहीं हो भोक्ता, आप नहीं हो भोक्ता, क्योंकि आपका नहीं है। अगर आपका होता तो आप साथ लेके जाते,